गुड आफ्टरनून बी कॉम सेफ इंडिया. टुडे वी डिस्कस डायरेक्ट मटेरियल ईओक्यू. ओके, तो ईओक्यू के हम क्वेश्चंस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. उसकी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, अपने पहले दो क्वेश्चंस जिसे सोल्व कर लिए थे. अब इस क्लास में हम भी दो क्वेश्चंस को और सोल्व करेंगे, क्योंकि इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. तो क्वेश्चन कौन सा हमारा 3.27 और 3.28 हमारे दो क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करेंगे आज की क्लास में. तो क्या है क्वेश्चन आपका, मांचल मैन्युफैक्चरिंग परचेज 1600 यूनिट ऑफ अ सर्टेन कंपोनेंट्स एट द रेट ₹50 पर यूनिट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर. द एनुअल यूजेज इज ₹1600 यूनिट्स. ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज ₹100 पर ऑर्डर एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट ऑन ईयर ₹2. कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ईओक्यू के बारे में. ओके, तो इसके फॉर्मूले को आप देखें तो इसका फॉर्मूला है 2 एनुअल कंजम्पशन अपॉन इनटू ऑपरेटिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट. ओके, ओ का मीनिंग है ऑर्डर कॉस्ट, सी का मीनिंग कैरिंग कॉस्ट, टू फॉर्मूला में दे रखा है, ए एनुअल यूजेस के बारे में दे रखा है. तो यहाँ पे एनुअल यूजेस के बारे में दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 1600 जो आपकी यूनिट्स हैं, और ऑर्डर कॉस्ट दे रखी 100 एंड आपकी दे रखी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखी 2. ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 1600 इंटू 100 इक्वल टू 160,000 इक्वल टू, इसको करें 2 कॉमन ले लिया, 2 जीरो और 400 यूनिट्स आपकी आ गई. ओके, तो ईयर में आपको कितने ई ऑर्डर आपको कितना देना है, ईओ टू कितना हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी आपकी 400. ओके, तो ईयर में आपको कितने ऑर्डर्स देने, तो आपको 1600 टोटल ओवरऑल आपकी कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है. एक ऑर्डर आप देंगे 400 का, तो आपको कितने ऑर्डर्स देने होंगे, 4 ऑर्डर्स. ओके, अगर 400 के ऑर्डर देंगे तो आपको सारा मटेरियल आपके पास आ जाएगा, तो 4 ऑर्डर्स हो जाएंगे. ऑर्डर्स नंबर ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 4, और पीरियड कितना होगा, तो पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया इट मींस, तो 3 मंथ के आफ्टर कोई भी ऑर्डर प्लेस करना होगा. हर 3 मंथ के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, ऑर्डर देना होगा. ओके, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. सेकेंड एक क्वेश्चन और देखिए ईओक्यू के ऊपर ही सेम. ओके, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज ₹3200 यूनिट. द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज ₹6 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%. आपकी जो कॉस्ट है यूनिट की उसका 25% आपकी क्या कैरिंग कॉस्ट है. ओके, कैरिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, रख रखाव लागत. ओके, तो रख रखाव लागत कितनी होगी, वो आपकी दे रखी 25%. ठीक है, एक यदि एक आदेश देने की लागत ₹150. ओके, तो इफ द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर इज ₹150, आपकी ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी, 150. लास्ट आपको इन्फॉर्मेशन में बोला गया 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर पर डे पर ईयर, टाइम बिटवीन टू कंक्लूसिव ऑर्डर्स. ओके, आपको वही चीजें तीनों कैलकुलेट करनी जो लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करी. आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में, फॉर्मूला आपको यही देना है 2 ए और ओ अपॉन सी. ओके, तो आपका एनुअल कंजम्पशन कितना दे रखा है, एनुअल यूजेस दे रखे हैं 2 मल्टीप्लाई 3200 यूनिट्स हैं. ओके, फिर इसके बाद आपकी कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है कितनी है, 150. ओके, 150 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और आपको दे रखा है कि कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 6 का 25%. ओके, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका आंसर हो जाएगा 6400 इंटू 1.150 डिवाइड बाई 1.5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60
6,40,000, तो हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल देंगे 00800, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 800 यूनिट्स, ओके, आपका ऑर्डर कितना देना होगा 800 यूनिट्स का, आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा, आपका ऑर्डर देगा 800 यूनिट्स का, ओके, फिर नेक्स्ट आपको आगे लिखना है, ये आगे कि कितने ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स देने होंगे आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे आपके, तो उसके बारे में देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके होंगे, आपने पूरे ईयर में, पूरे ईयर में आपको कितने यूनिट्स चाहिए, 3,200, ओके, पर ऑर्डर कितने का 800, आई मीन आपको ऑर्डर देने होंगे फोर ऑर्डर, ओके, तो अब आपके पास में चार ऑर्डर की क्वांटिटी आ गई, चार ऑर्डर आपको देने हैं, और कितने टाइम पीरियड देना है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप पूरे ईयर में कितने बात कर रहे हैं, ईयर की बात चल रही है, तो ईयर में 12 मंथ होंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने ऑर्डर देने, 3, आपको कितने मंथ में ऑर्डर देना होगा, आफ्टर 3 मंथ आपको एक ऑर्डर देना होगा, प्लेस करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके, तो आपको कितने रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम पीरियड का आपको मेटल की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी फुलफिल हो जाएगी, ऐसे आप करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके ईयूपी के दो क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेबर, डायरेक्ट लेबर के बारे में बात करेंगे, लेबर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके, तो आप थोड़ा बहुत लेबर पढ़ के आए, डायरेक्ट लेबर लेसन नंबर 4 है आपका, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हमारी फर्स्ट यूनिट इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी, जो फर्स्ट यूनिट में कुछ पार्ट, फर्स्ट 2 लेसन हमारे थ्योरेटिकल थे, और एक लेसन था हमारा प्रैक्टिकल डायरेक्ट मटेरियल, वो हमारा कंप्लीट हो गया आज इसी के साथ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।